पुलवामा में आतंकियों द्वारा मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक सभा का आयोजन डीएलएफ अंकुर विहार में किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और इस अवसर पर आतंकवाद का पुतला दहन किया गया तथा पाकिस्तान एवं आतंकवाद का विरोध करते हुए नारे लगाए गए, जिसमें आरडब्ल्यू के सभी पदाधिकारी, बिल्डर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं शामिल। आज आतंकवाद के विरोध में डीएलएफ केशव चौक पर पुतला दहन किया गया और पाकिस्तान और आतंकवाद के विरोध में नारे लगाए गए। आज हम बात करते हैं कि इस अवसर पर क्या कार्यक्रम किया गया था। वीर जवान हमारी भारत माता के ऊपर शहीद हुए हैं और बहुत ही ये आतंकवादियों का एक कायरतापूर्ण उनका ये उन्होंने काम को अंजाम दिया है। हम कड़े से कड़े शब्दों में उन आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और हमारे जो शहीद जवान है, जो उनका परिवार है, उनके लिए हम हृदय से संवेदना प्रकट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमसे जो भी कुछ बन पड़ेगा हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से उन शहीद परिवारों के लिए जो एक भारत सरकार ने कोष बनाया हुआ है उसे हम अपनी तरफ से सहायता राशि देंगे। तो उसी के विरोध स्वरूप हमने आज आतंकवादियों के खिलाफ ये आतंकवादियों का पुतला दहन किया है या डीएलएफ अंकुर विहार के चौक पे और हम बहुत हृदय से दुखी हैं उन शहीद भाइयों के लिए और शहीद भाइयों के परिवार के लिए। जय हिंद। मैं भोपाल सिंह, डीएलएफ अंकुर विहार। जी आज यहाँ क्या कर रहे हैं? जो यहाँ आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया, जो उन्होंने कायरतापूर्ण कार्य किया है उसके विरोध में सारे डीएलएफ और अपनी एसोसिएशन, बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से सबने शोक प्रकट किया और उनका पुतला दहन किया है। हम इसकी बहुत कड़े शब्दों में जो कायरतापूर्ण कार्य किया है भर्त्सना करते हैं और उनके लिए संवेदना प्रकट करते हैं, उनके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको आत्मा को शांति दे और परिवार को जो सुख शांति में रखे और अपनी तरफ से जो भी हमारी तरफ से मदद हो सके कि हम इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।